हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आज हम जानेंगे सम कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन के बारे में, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं डिजीज एंड उसके कजेस। तो सबसे पहले ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस जो टीबी होता है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। और कौन सी बैक्टीरिया के लिए होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है वो टीबी डिजीज करता है। सिफिलिस। सिफिलिस किस लिए होता है? ट्रिपोनेमा पालीडम। तो ट्रिपोनेमा पालीडम जो है वो सिफिलिस डिजीज करता है। उसके बाद टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर कौन सी बैक्टीरिया के लिए होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है उसके लिए टाइफाइड फीवर होता है। टिटानस। टिटानस कौन से बैक्टीरिया के लिए होती है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो बैक्टीरिया है वो टिटानस डिजीज करता है। डिप्थेरिया, और ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी बैक्टीरिया के लिए होती है? कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है वो डिप्थेरिया डिजीज करता है। चलिए दोस्तों, अब वायरल डिजीज के बारे में जान लेते हैं, डिजीज और उसका कॉजेस। एड्स। एड्स जो होता है वो वायरल डिजीज होता है। और कौन सी वायरस के लिए होता है? एचआईवी वायरस। तो एचआईवी वायरस के लिए एड्स होता है। बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू कौन सा वायरस के लिए होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो है वो बर्ड फ्लू डिजीज करता है। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू वायरल डिजीज है। कौन सा वायरस के लिए होता है? H1N1। तो H1N1 जो वायरस है उसके लिए स्वाइन फ्लू डिजीज होता है। और उसके बाद स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस के लिए होता है? वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस जो है उसके लिए स्मॉल पॉक्स होता है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कौन सी वायरस के लिए होता है? पारामिक्सो वायरस। तो पारामिक्सो वायरस जो है उसके लिए इन्फ्लुएंजा डिजीज होता है। मिजिल्स। तो मिजिल्स किसके लिए होता है? रूबेला वायरस। तो रूबेला वायरस जो है वो मिजिल्स डिजीज करता है और ये एक वायरल डिजीज होता है। हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरल डिजीज है। ये कौन सी वायरस के लिए होता है? डीएनए वायरस, HBV। तो डीएनए वायरस HBV जो है उसके लिए हेपेटाइटिस बी जो वायरल डिजीज है वो होता है। पोलियोमेलिटिस। तो पोलियोमेलिटिस कौन सी वायरस के लिए होता है? पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस जो होता है वो पोलियोमेलिटिस डिजीज करता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज थे। और भी जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं ह्यूमन के ऊपर, उसका मैं दूसरा पार्ट में वीडियो बना के आपके पास दिला दूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।